Subscribe the Unique Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos. Hello friends, welcome to the Unique Academy. In today's current affairs decoded session, myself Shivaji Kale, wishes you a very good morning. तो आज 31 जुलाई के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, जिसमें द फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द स्टडी दैट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय सम फेलोज फ्रॉम नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च. एंड उन्होंने जो रिसर्च किया है दैट इज़ अपॉन द नेशनल कमीशन ऑफ वुमन के पास जो रिसेंटली कंप्लेंट्स आए थे विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एंड अदर टाइप ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमन. तो उन्होंने एक एनालिसिस किया है एंड दैट दे आर सेइंग दैट नॉट ओनली इन द केस ऑफ लॉकडाउन इट इज़ स्पेसिफिकली डिजाइंड अपॉन और इट इज़ स्पेसिफिकली डिटरमिंड अपॉन द लेवल ऑफ लॉकडाउन दैट हैज़ बीन देयर. तो जो रेड जोन है उसमें ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस एज वेल एज ऑनलाइन सेक्शुअल वायलेंस के केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू द ऑरेंज जोन और द ग्रीन जोन. तो उसमें वो पर्टिकुलरली दो चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं. तो फर्स्ट विच इज़ वेरी कॉमन एज यू आर अवेयर अबाउट इज अ पैट्रियार्कल माइंडसेट, वो तो है ही, लेकिन सेकंड एस्पेक्ट इज आल्सो अबाउट द रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी. रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी का मतलब क्या है? तो इन दिस पर्टिकुलर रिसर्च दे आर सेइंग दैट बिकॉज दिस पीपल कैन नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. बट दिस मोबिलिटी कंसेप्ट कैन बी also explained in detail in other dimension like physical mobility आप बोल सकते हो जो अभी explain किया, या financial mobility आप बोल सकते हो, या decision making की authority जो होती है, मतलब उसको हम लोग भी mobility बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में खुद decision ले सकते हैं कि नहीं. तो ये type की mobilities are hampering in recent period of time and that is resulting into such type of problem. और उन्होंने national फैमिली हेल्थ सर्वे का भी डेटा जो है वो भी लिया है एंड अकॉर्डिंगली दे आर सेइंग दैट इन द केसेस वेयर हस्बैंड्स आर से जस्टिफाइंग द केसेस ऑफ बीटिंग द वुमन वहाँ पे कंप्लेंट्स के केसेस ज़्यादा है, बट व्हेन वाइव्स आर डिफेंडिंग द केसेस ऑफ वाइफ बीटिंग वहाँ पे कंप्लेंट के नंबर्स कम है. तो पॉइंट यहाँ पे पैट्रियार्कल माइंडसेट हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर वाइफ ही एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ भैया हम लोगों को मारा गया तो इट्स नॉट अ डिफरेंट इशू, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल थिंग दैट वाज हैपनिंग अर्लियर आल्सो, तो वो कंप्लेंट करेंगी नहीं बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड दिस सिचुएशन. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वुमन के ऊपर हमेशा टॉपिक्स जीएस में या इसमें पूछे जाते हैं. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज़ हैपन, वो हम लोगों को इंडिया यूएस रिलेशन में भी देखने को मिलेगा एज वेल एज वी कैन से गांधी जी एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री. उन लोगों को हम सिविल राइट्स या सोशल राइट्स में भी बहुत ज़्यादा उनको यूज किया जाता है. एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे तो रेसिज्म का जो इशू चल रहा है यूएसए में, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग वहाँ के एक सिविल राइट एक्टिविस्ट रह चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ही वॉज ऑल्सो फॉलोइंग और से यूजिंग द टेक्निक दैट वॉज प्रेस्क्राइब बाय गांधी जी. तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड यूएस. तो गांधी जी एंड कौन है ये बंदे, यहाँ पे लिखते हैं गांधी जी एंड मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, ठीक है. तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको आगे लेके जाने के लिए देयर हैज़ बीन अ बिल इंट्रोड्यूस इन टू देयर पार्लियामेंट, और जिसको हम लोग बोलेंगे उनके सीनेट में या उनके कांग्रेस में वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है. दैट बिल इज़ टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिशिंग एन एन्यूअल स्कॉलरशिप एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका फ्रॉम स्टडिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स और ट्रैवलिंग टू द हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया एंड यूएसए. तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम रहेगा बेसिकली ये अंडर द गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी, as well as there will be another foundation that will be focusing upon say administrating the grants to the NGOs that are working in this particular area as well as looking for this work. Simultaneously they are saying that this is very important because these two countries are nowadays having good relationships, showing improvement in the relationships, so it can be extended for forward. Abhi to inka focus sirf defense pe ya energy sector pe hi limited hai,
तो पीपल टू पीपल टाइज में अगर आप देखोगे तो यस देयर आर पीपल टू पीपल टाइज, बट दे आर मोस्टली फ्रॉम वन डायमेंशन. जैसे कि इंडियंस आर गोइंग इन टू USA फॉर सम टाइप ऑफ से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. सो अलग लेवल की कल्चरल पीपल टू पीपल टाइज अगर हम लोग डेवलप कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम पे अगर हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं, सिविल राइट्स के ऊपर अगर हम लोग डेवलप कर सकते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड दैट इज वॉट दे आर गोइंग टू डू हियर. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पज. नाउ दिस कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इट्स एनालिसिस. नाउ दिस इज गोइंग टू बी द टाइप ऑफ न्यूज एंड आर्टिकल्स दैट विल बी देयर इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम. तो उसमें से सिलेक्टेड आर्टिकल्स हम लोग चूज करेंगे फ्रॉम बोथ हिंदू एंड एक्सप्रेस. तो ये यहाँ का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है एंड दिस इज हिंदू का आर्टिकल. सो बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस का अगर आप आर्टिकल देखोगे तो दे आर टेकिंग अ पॉइंट एंड दे आर डिस्कसिंग इट इन बोथ डायमेंशंस. सो इट्स अ वेरी नाइस आर्टिकल फ्रॉम द एक्सप्लेन पेज. यू कैन सिंपली गो ऑन ऑब्जर्विंग द फैक्ट्स कि कैसे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे, क्या रिफॉर्म्स उन्होंने एनविसेज किए हैं. उसमें पर्टिकुलरली जो चीज़ें रिवोल्यूशनरी कही जाती है कि 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम आएगा, एमफिल चला जाएगा, उसके बाद में लैंग्वेजेस के ऊपर या फिर इंग्लिश मीडियम टू रीजनल मीडियम पे के ऊपर फोकस किया जाएगा. दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दैट आर डिस्कस्ड इन इन ब्रीफ. ये जो हिंदू का आर्टिकल है इट विल बी लिटिल बिट नीडेड टू गो इन टू द डिटेल्स बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ से मेजर्स दैट हैज बीन टेकन इन दिस पर्टिकुलर केस. तो उसको अगर आप देखोगे तो ये जो 5+3+4+3 मॉडल उन्होंने किया है जिसमें दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम एज नंबर 3 दैट इज प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड दे आर गोइंग टिल हायर एजुकेशन, जिसपे उन्होंने क्लास 5 तक मदर टंग को या रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस किया गया है. एंड दिस विल रिजल्ट इन टू मेकिंग इंडिया एज अ मल्टी लिंग्वल फैसिलिटी दैट बिकम द USP ऑफ इंडिया. ऑलरेडी इंडियंस नो एटलीस्ट 2 to 3 लैंग्वेजेस, सम इंडियंस नो 4-5 लैंग्वेजेस हु आर लिविंग इन द क्रॉस जंक्शन ऑफ मल्टीपल स्टेट हैविंग डिफरेंट लैंग्वेजेस. इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर लर्निंग न्यू टाइप ऑफ फॉरन लैंग्वेजेस एंड दैट्स वाई से जर्मन, फ्रेंच एंड अदर लैंग्वेजेस आर फेमस इन इंडिया. Also, Sanskrit is a language that is not belong to any particular state, but it is being spoken by a lot of people. The number is not important, but it's important in the sense that this is a language that is the language of our having lot of text in ancient and medieval period of time, mostly in the ancient period of time. So that will be also helpful. तो ऐसी type की चीज़ें करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें की जाएगी. उसके साथ साथ दे विल बी आल्सो फोकसिंग अपन द वोकेशनल प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद द ग्रेजुएशन प्रोग्राम, जिससे आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो ब्लू कॉलराइजेशन ऑफ वर्क फोर्स है इंडिया में, एक मेंटेलिटी जो डेवलप हुआ है उसको वाइप आउट करने की कोशिश की जाएगी. साथ में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का भी टारगेट रखा है उन्होंने कि 100% करेंगे स्कूल के बारे में एंड 50% करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में. बट दिस हैज बीन क्रिटिसाइज इन वन ऑफ द अदर न्यूज़ जिसमें वो बोला जाता है कि अभी अगर आप देखोगे तो वी आर अबाउट हैविंग 50-60% ऑफ द अचीवमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस. तो गोइंग टू दैट पर्टिकुलर लेवल बिकम्स वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क इन द गिवन 10-15 पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द टारगेट्स. एंड उसके लिए जो उन्होंने इन्विशेस किया है कि 6% ऑफ द GDP विल बी स्पेंट ऑन द एजुकेशन. बट द पॉइंट इज दैट इट्स नॉट अबाउट ओनली इफ द पॉलिसी सेज सो इट डज हैपन. तो दैट इज़ वॉट दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट हियर की दैट जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था 1948 वाला, उसमें भी 6% स्पेंड करने के बारे में बात हुआ था. बट वी हैव सीन दैट इवन इन द लास्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो विच वॉज अबाउट 34 ईयर्स एगो, तो उसमें भी अबाउट 4.5-4.8% ही GDP के ऊपर स्पेंड किया गया है. एंड अगर हम लोग वो 30 लाख की पीछे के बात करेंगे तो उनमें ये जो एक्सपेंडिचर है दैट इज मोस्ट अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, क्योंकि राइट टू एजुकेशन आया था इस पर्टिकुलर पीरियड में 15 सालों में एंड दे वर फोकसिंग मोस्ट ऑन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू मेकिंग द एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल इन द ऑल सेक्टर एज वेल एज मिड डे मील स्कीम एंड अदर जो स्कीम्स है उसका एक्सपेंडिचर इसमें पकड़ा जाएगा. प्योर फॉर द एजुकेशन पर्पज, नॉट ऑन बेसिकली एन इंफ्रास्ट्रक्चर बट प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन. अगर आप इसमें इतना सारा इन्वेस्टमेंट करते हो तो दैट इज़ नेसेसरी एंड इट विल बी हेल्पफुल. बट इवन इफ लुकिंग एट द क्रिटिसिजम,
वी विल से दैट दीज आर द टारगेट्स दैट आर वेरी गुड, एंड इसको कैसे फुलफिल किया जाएगा इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया जाएगा इन दिस पर्टिकुलर केस। साथ में वो दो तीन चीज़ें और भी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जो एक्रेडेशन का मेथड इंडिया में है उसको उन्होंने काइंड ऑफ दे हैव एलिमिनेटेड एंड सेल्फ असेसमेंट एंड वॉलंटरी डिक्लेरेशन के ऊपर काम करेंगे। बेसिकली दे विल बी फोकसिंग अपॉन कीपिंग द कॉमन प्लेटफॉर्म्स, और से हायर एजुकेशन में तो उन्होंने बोला है कि कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम होगा फॉर पर्टिकुलर स्ट्रीम एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट गिव्स being given to the students will determine your quality of level, so the choice of the students for your institution। उसके ऊपर वो जाके ये भी बोलते हैं कि आप affiliated to particular university रहने का चीज़ भी निकाला जाएगा थोड़े दिनों के बाद, either you will be a university or you will be an autonomous college who is granting the degrees। लास्टली इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी बहुत सारा फोकस वहाँ पे डिटरमाइन किया गया है, जिसमें अगर आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो दैट ये जो फोकस है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाते हैं, दिस इज अ रिपीटेड न्यूज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चाइना इज कंडक्टिंग ड्रिल्स इन द साउथ चाइना सी। तो ये पर्टिकुलरली हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये ना एक्सटेंशन टू द केसेस ऑफ पर्टिकुलरली जिसमें बोल सकते हो कि जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अभी मैरिटाइम एंड रीजनल बॉर्डर्स या टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के बारे में, उसमें चाइना इज ऑल्सो नॉट टेकिंग द लीनियंट वे, और इसके कारण इंडिया के साथ तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। जापान एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में, जापान के साथ तो वो सेनकैकोन और दूसरा आइलैंड वो ईस्ट चाइना सी में, लेकिन साउथ चाइना सी में तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। एशियन कंट्रीज़ के बहुत सारे मेंबर जैसे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, उसके साथ उनका मैरिटाइम डिस्प्यूट चल रहा है। साइमल्टेनियसली यूएसए एंड जापान का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का जो आइडियालॉजी है, डॉक्ट्रिन है, उसको इट इज सीन्स अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ चाइनाज डोमिनेशन, विच हैज ऑल्सो हैव बीन रिजेक्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया इन द रिसेंटली इन यूनाइटेड नेशन फोरम्स। तो ये सारी चीज़ें क्या आपको दिखाती है, तो पर्टिकुलरली देर इज इंक्रीज इन टेंशन बिटवीन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो हम लोगों के लिए साउथ चाइना सी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पज। इस पर मैपिंग के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, IR में, GS में आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो वी विल फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज करंट अफेयर्स डिकोडेड सेशन। माई सेल्फ शिवाजी काळे टेक्स यूर लीव नाउ। थैंक यू।